हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है प्रमोद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले आई क्यू नियो 6 में नए सॉफ्टवेयर अपडेट के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आई क्यू ने आपके आई क्यू नियो 6 में कुछ नए फीचर्स के साथ जुलाई मंथ का जो अपडेट है ना, वो रिलीज कर दिया है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में इसी अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं कि आपके आई क्यू नियो 6 में जो नया सॉफ्टवेयर अपडेट जारी किया गया ना, उसकी साइज क्या है, वर्जन क्या है, और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, और क्या कुछ नए फीचर्स देखने को मिले हैं। तो बने रहिएगा दोस्तों वीडियो के एंड तक। वीडियो अच्छी लगे तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके आई क्यू नियो 6 में क्या नया सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को। और बात करें दोस्तों आई क्यू नियो 6 में नए अपडेट की, तो जो अपडेट जारी किया गया है आपके आई क्यू नियो 6 में ना, उसका वर्जन आप देख सकते हैं 14.26.14 है। और साइज की बात करें दोस्तों, काफी बड़ी साइज है, आप देख सकते हैं 1.05 GB के आसपास की साइज है। और क्या कुछ इस अपडेट में देखने को मिला है, तो मैं यहाँ कहूँगा दोस्तों, फाइनली आपके IQ Neo 6 पे सिस्टम पे काम किया है, और जो भी बैटरी ड्रेन की इशू देखने को मिल रही थी सिस्टम के द्वारा ना, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। बात कर दोस्तों अपडेट लॉक की, तो सबसे पहले सिस्टम में आपके फ़ोन के सिक्योरिटी पैच को अपडेट किया गया है, जो कि जुलाई मंथ का है। तो काफ़ी अच्छी बात है कि आपके फ़ोन में लेटेस्ट मंथ का सिक्योरिटी पैच का अपडेट देखने को मिल रहा है। वहीं पे एक तरह से कहा जाए UI जो है ना वन प्लस नियो 6 के, उसको और ऑप्टिमाइज किया गया है, थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस को यहाँ पे इम्प्रूव किया गया है। बात करें दोस्तों कि इस अपडेट में जो मेन हाईलाइट है, क्योंकि यहाँ पे आपके आई क्यू नियो 6 में सिस्टम के वजह से बैटरी ड्रेन की इशू देखने को मिल रही थी, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, और सिस्टम के द्वारा जो बैटरी ड्रेन की इशू हो रही थी उसको फिक्स करने की बात की गई है। आप देख सकते हैं सिस्टम रिसोर्सेस एलोकेशन मैकेनिज्म फॉर इवन लॉन्गर बैटरी लाइफ। तो ये इसके वजह से हो सकता है दोस्तों कि इस अपडेट के बाद आपके फोन के जो बैटरी लाइफ है ना, वो इंप्रूव। तो डार्क मोड को, तो यहाँ पे डार्क मोड को और ऑप्टिमाइज किया गया है। कुछ मामलों में डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से डार्क मोड पे काम नहीं कर रहा था ना, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया। और बात करें दोस्तों ब्लूटूथ की, तो ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी में थोड़ा बहुत इशू देखने को मिल रही थी, उसको फिक्स किया गया है। और होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर की बात करें, तो कुछ कंडीशन में होम स्क्रीन पे किसी ऐप को हम टैप करते थे तो वो ओपन नहीं होता था, उसको यहाँ पे फिक्स किया गया है। तो दोस्तों ये तो रहा अपडेट की बात। फाइनली आपके IQ Neo 6 में सिस्टम के द्वारा जो बैटरी ड्रेन की इशू देखने को मिल रही थी उसको फिक्स कर दिया गया है। और बात करें दोस्तों इस अपडेट के बाद कौन सा फीचर्स देखने को मिला है, तो फाइनली आपके IQ Neo 6 में इस अपडेट के बाद 5G प्लस यानी 5G कैरियर एग्रीगेशन सपोर्ट करना शुरू हो गया। आप देख सकते हैं 5G प्लस शो हो रहा है। हाँ, अभी यहाँ पे VoNR के फीचर को इनेबल नहीं किया गया है आपके IQ Neo 6 में, वाले दिनों में इसको भी इनेबल कर दिया जाएगा। दोस्तों हो सकता है कि आपके फोन में फिलहाल 5G प्लस शो नहीं हो रहा होगा, तो आपके एरिया में जो सर्विस प्रोवाइडर है वो 5G प्लस को इनेबल नहीं किया गया होगा, इसके वजह से आपके फोन में शो नहीं होगा, तो बहुत ही जल्द वो शो होने लगेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। धन्यवाद।